इस वीडियो में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बारहा मुझसे पूछा जाता है फेसबुक पे कि सर हम बिडिंग करते हैं, जवाब नहीं आता, मायूस हो जाते हैं और फिर हम छोड़ जाते हैं फ्रीलांसिंग और वापस 9 से 5 वाली जॉब को ही प्रेफर करते हैं। कम तनख्वाह ही सही, खवारी ही सही, बट डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होती ना। फियर जो है ना इंसान के अंदर ऐसे ऐसे वसवसे डाल देता है दोस्तों कि आप अपने गोल, अपने मिशन से कम का सोचने लगते हो। इनिशियली आपने अपना टारगेट और आई सेट किया होता है एक मकाम की तरफ, लेकिन जैसे ही डिसअपॉइंटमेंट आती है, जैसे ही आपको थ्रेशिंग होती है, जैसे खिलाड़ी होता है ना फील्ड में जाता है उसको थ्रेशिंग होती है, तो वो तमाम डायमेंशंस ही चेंज हो जाते हैं थॉट प्रोसेस के। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल कर लेता है वो लूज करने के डर से घबराता नहीं है, वो अपना गोल और अपना टारगेट कम नहीं करता। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे ही आपको हार होती है या मैं एक वर्ड यूज करता हूं फेंटा पड़ता है किसी भी काम में, तो आप क्या करते हैं, आप अपना टारगेट कम कर देते हैं और छोड़िए जी हमने इस साल के एंड में ये नहीं कमाना, हमने इससे आधा कमाना है। ये जो ट्रेट है ना लूजर्स वाला, जो फेलियर को अडैप्ट नहीं कर सकते, जो फेलियर को कोप नहीं कर सकते और उसके बाद अपना टारगेट से नीचे की बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमेशा याद रखिएगा डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गेम, डिसअपॉइंटमेंट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ गेम, डिसअपॉइंटमेंट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ गेम। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब आप हारे तो आप सर नीचे कर लें और उसके बाद परेशान हो जाएं। कितना प्यारा शेर है, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या समझे, अगर जो हालात आपके अगेंस्ट आ रहे हैं, अगर आप उन हालात को फेस नहीं करते, उन हालात का मुकाबला नहीं करते, तो काहे की सक्सेस, काहे की कामयाबी का सोचना, फिर तो बेहतर है कि आप एक शेल में चले जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था फियर की 2 डेफिनेशन है। मेरे नज़दीक फियर की डेफिनेशन फ़र्क है, एन मुमकिन है आपके नज़दीक फियर की डेफिनेशन फ़र्क हो। फियर की डेफिनेशन ये भी तो हो सकती है ना, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, हालात से मुकाबला नहीं हो सकता, आंखें बंद करो और पतली गली से निकलो। और दूसरा, हालात का मुकाबला करो डट के, जैसे मैं सामने खड़ा हूं, फेस एवरीथिंग एंड राइज। हमेशा दुनिया में कामयाब वही लोग रहे हैं जो डिसअपॉइंटमेंट्स को, लूजिंग के फियर को हैंडल करना जानते हैं, और जब वो सक्सेसफुली लूजिंग के फियर को हैंडल करना जान जाते हैं तो सिर्फ कामयाबी उनके कदम चूमती है। ये बात बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक मशवरा दे दूं, जब आप हार रहे होते हैं ना, जब आप मायूस होते हैं ना, आपको बेपनाह मुफ्त मशवरे मिलते हैं, और इस मौके पे मुफ्त मशवरे जख्म पे नमक छिड़कने के बराबर होते हैं। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ, व्हेन थिंग्स डू नॉट गो इन माय वे, मैं तो साइड पे हो जाता हूँ, ना किसी के पास मुलाकात, ना किसी से इवेंट पे जाता हूँ, आराम से गया पहाड़ी इलाकों में और अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जब आप अपना क्रिटिक खुद बन जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि गलती कहाँ पे हुई, रादर देन आप एक शेल में चले जाएं और डिसअपॉइंटमेंट और उस हार को सोचने लगे और अगले काम से भी जाएं, अपने गोल को ट्रिम डाउन कर दें। बेहतर ये है कि आप खड़े हों, फेस करें हालात को और सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है। सेम गोज फॉर फ्रीलांसिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, एक शेयर के 1000 खौफ हों लेकिन जुबान है दिल की रफीक, 1000 खौफ हों लेकिन जुबान है दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर टंग एंड हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल, दैट इज व्हाट मेक्स यू गो डाउन। सिंपल बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे एज अ फ्रीलांसर, अरे क्यों परेशान होते हो, क्यों हिम्मत हारते हो, एनालाइज करो क्या गलती है, डिफरेंट बिड्स करके देखिए, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रिवाइज करके देखिए,
अपनी रीब्रांडिंग कर लीजिए, अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कीजिए वीडियो के सामने। अगर आप वीडियो के सामने प्रेजेंट भी हो रहे हैं तब भी जवाब नहीं आ रहा, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम कीजिए। हम एक पूरा कोर्स करा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग का, वो इसीलिए करा रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एडवांस हो। और बहुत ज़रूरी है अपने आप को एनालाइज करना, हमेशा एक लाइन पे, एक सिम्त पे अगर आप चल रहे हैं और आपने इर्द गिर्द की साउंड्स और सराउंडिंग विजन्स को बंद कर दिया है, तो यकीन जानिए आपका टनल विजन आपको कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाएगा। हारने की ज़रूरत नहीं है, डिसपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कह के कारवां ने फेंक दिए चिराग, ये कह के कारवां ने फेंक दिए चिराग, हमें तो शाम से पहले शहर में होना है। अल्लाह पाक ने सबके लिए रिस्क बराबर रखा है। उन चिड़ियों को देखिए जो खाली चोंच सुबह घर से निकलती हैं, सारा दिन रिस्क की तलाश में रहती हैं और वापस खाली चोंच आती हैं शाम के समय। अगर उनको इतना फिक्र हो तो वो तो यू नो दे वुड गो डाउन एंड आउट। सेम गोज फॉर द ह्यूमन बींग्स। क्यों फिक्र करते हो? बस एनालाइज करिए अपने आप को, अपनी गलतियों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अपना बेस्ट क्रिटिक आप खुद हैं। हार या डिसपॉइंटमेंट बहुत बड़ा टीचर है। अगर आप इस टीचिंग से सीखें तो यकीन जाने आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो आपने पहले दोहराई थी।